तांबा के दूसरा बैठक में जल जीवन मिशन पर उठे कई सवाल। विधायकों ने सांसद जुगल किशोर के समक्ष रखा पक्ष। विवादों में गिरे रामरोड डिग्री कॉलेज का भी उठा मुद्दा। कॉलेज का निर्माण अब जल्द शुरू होने की बनी उम्मीद। डोडा में बदतर हो रही यातायात व्यवस्था। एम्बुलेंस व दमकल की गाड़ियां भी फंस रही जाम में। मरीजों की जानों को खतरा, संपत्ति को भी नुकसान। ट्रैफिक पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। तवी नदी पर चौथा पुल 15 दिनों के लिए रहेगा बंद। सड़क व फ्लाईओवर के निर्माण के कारण हुआ फैसला। लोगों को समझाने में ट्रैफिक पुलिस ने की माथापच्ची। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर से। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का बड़ा बयान सामने आया है। डेली वेजर्स व कैजुअल लेबर के लिए पॉलिसी बन रही है। आपको बता दें डेली वेजर्स व कैजुअल लेबर को जल्द मिलेगी खुशखबरी। मौजूदा सरकार जल्द पूरा करने जा रही है अपना वादा। तो एक बड़ा बयान यहाँ सामने आया है। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का बयान सामने आया है। आपको बता रहे डेली वेजर्स को लेकर कैजुअल लेबर के लिए बन रही पॉलिसी। डेली वेजर्स व कैजुअल लेबर को जल्द खुशखबरी मिलेगी और मौजूदा सरकार जल्द पूरा करने जा रही अपना फैसला। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है डेली वेजर्स को लेकर। आपको बता दें मंत्री जावेद राणा का यह बयान आया है सामने। आपको बता दें डेली वेजर्स व कैजुअल लेबर के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है और डेली वेजर्स व कैजुअल लेबर्स को खुशखबरी मिलने वाली है। मौजूदा सरकार जल्द पूरा करने जा रही है अपना वादा। किसी वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाए, उनकी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के नोटिस में ये सब चीजें हैं। एक सरकार वादाबंद है हर आदमी को रोजगार देने के लिए, और उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत में एक नई पॉलिसी बन रही है जिसमें हम डेली वेजर्स और हमारे जो कैजुअल लेबर ये लोग काम करते रहे पिछले काफी अरसे से, इनको रेगुलराइज करने के लिए एक सरकार के सामने एक पॉलिसी है और जल्दी इंशाल्लाह ताला जिससे हम कोई फाइनल एक इशू है, क्योंकि यहाँ 5 साल कोई प्रॉपर पॉपुलर सरकार नहीं रही है। 2014 के बाद इलेक्शन हुए, 10 साल के बाद अभी सरकार बनी है। अभी सरकार को 1 महीना और कुछ दिन हुए। हम लोग इस सब चीजों पे सोच रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला हम इन थाना मंडी के लोगों को मैं मुबारक करूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने आते ही थाना मंडी के लिए और कुछ दूसरे एरिया के लिए भी हमने 5 करोड़ रुपया यहाँ अमृत में दिया है 5 करोड़ रुपया, और जिसके लिए ये आपका थाना मंडी का क्योंकि इश्यू रहा है, और पर्टिकुलरली हमारे ये जो ब्लॉक सदर साहब है, शाल साहब है, और ये सब मेरे काफी करीबी है तंजीम के लोग, उन्होंने हमेशा थाना मंडी की बात की है, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला थाना मंडी के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है, और मैं चाहता था कि इस खुशखबरी को आपके सामने लाऊं, और 5 करोड़ रुपया जो है हम एक नई स्कीम में आपको दे रहे हैं। देखिए ये सब चीजें जो है सरकार के सामने है। जहाँ हमारे सब सेंटर बने हैं 40-40 साल से सब सेंटर हैं, सीएससी बनी है, उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं हमारे। आप ये देख लीजिए कि हमारे जो इवन काफी डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये कुछ आइडल डिपार्टमेंट पड़े हैं, और कहीं हमें मैन पावर की जरूरत है, और इसी तरीके से हमारे काफी स्कूल है जिनको अपग्रेड होना है। तो लिहाजा एक सरकार बनी है, अभी ये सब चीजें सरकार के सामने आएंगी और इस अपर तरीके से सर ये लकड़ के लिए मैंने डायरेक्शन दे दी है, क्योंकि फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से हमें लकड़ उठानी पड़ती है और उसके लिए काफी दुश्वारी है, और मैंने कन्वे कर दिया है कंसर्न डिपार्टमेंट को। चंद दिन पहले मीटिंग हुई।
चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सांबा में आयोजित की गई दिशा की बैठक में जिले की तीनों विधानसभाओं के विधायकों का ज्यादातर दारोमदार जन जीवन मिशन परियोजना पर रहा। सांसद जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधायकों ने जल जीवन मिशन परियोजना पर कई सवालिया निशान लगाए। वहीं पिछले कुछ समय से विवादों में घिरे रामगढ़ डिग्री कॉलेज के निर्माण का मुद्दा भी इस बैठक में जोर शोर से उठाया गया। तो आपको बता दें कि सांबा में दिशा बैठक का आयोजन हुआ जिसमें जल जीवन मिशन पर कई सवाल उठाए गए हैं। और आपको बता दें कि विधायकों ने सांसद जुगल किशोर के समक्ष अपना पक्ष रखा है। विवादों में घिरे रामगढ़ डिग्री कॉलेज का भी मुद्दा उठाया गया और कॉलेज का निर्माण अब जल्द शुरू होने की भी यहाँ उम्मीद जताई जा रही है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया सांबा से जुड़ चुके हैं। ऋषि बताइएगा कि सांसद जुगल किशोर शर्मा के समक्ष विधायकों ने जल जीवन मिशन को लेकर क्या सवाल उठाए हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से दिशा की मीटिंग जो है ये आयोजित की गई थी जिला हेडक्वार्टर सांबा में, जिस मीटिंग को चेयर किया है ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने, और ये क्वार्टरली मीटिंग रहती है जो कि एमपी साहब इसे चेयर करते हैं। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो इस बैठक में, इस मीटिंग में सांबा जिला के तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए हैं वो भी यहाँ इसमें मौजूद रहे, जिसमें सांबा के विधायक सुजीत सिंह सलाथिया, रामगढ़ के डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनयाल और इसी के साथ विजयपुर के चंद्र प्रकाश गंगा। तो कई सवाल यहाँ पर रखे गए हैं। खासतौर पर इस मीटिंग का एक उद्देश्य रहता है कि जो प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में उसे उसकी समीक्षा की जाएगी, उसका काम कितना पेंडिंग है, कब तक वो प्रोजेक्ट जो वो पूरे होंगे, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं उसकी भी समीक्षा करना कि उसका क्या लोगों को फायदा हो पा रहा है, क्या उसका बेनिफिट मिल पा रहा है। लेकिन इसी बीच जो है वो तीनों विधायकों ने अपने अपने विधानसभा हलके को लेकर बातें रखी हैं, जिसमें चंद्रप्रकाश गंगा ने सीधे तौर पर सवाल उठा दिए जल जीवन मिशन की स्कीम को लेकर। उन्होंने ये कहा कि जो कंडी इलाका है हमारा, निचला इलाका है, वहां पर पानी की काफी ज्यादा दिक्कत है। हालांकि जल जीवन मिशन के अंदर जो प्रोजेक्ट वहां पर लाए जाने थे वो प्रोजेक्ट वहां पर कंप्लीट किए गए हैं, लेकिन अभी भी पानी की काफी ज्यादा वहां पर कमी वो देखी जा सकती है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमें लोगों ने मौका दिया है कि वो उनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, तो उसी को लेकर वो पुरजोर तरीके से कंसर्न विभाग की अगर बात करें, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की बात करें, तो उनको एक टूर करवाया जाएगा और वहां पर चेक करवाया जाएगा कि यहां पर ये दिक्कतें क्यों हैं और इसे इन दिक्कतों को कब तक दूर किया जाएगा। यानी जो जल जीवन मिशन कहने के सवालों को घेरे में आया उसको लेकर यहां पर काम करने की जरूरत है, जिसको लेकर चंद्रप्रकाश गंगा ने भी अपने लोगों को यह एक आश्वासन दिया है कि हम मिलकर इस समस्या का हल करेंगे आने वाले दिनों में। वहीं अगर रामगढ़ क्षेत्र की बात करें, यहाँ जो डीके मनयाल विधायक हैं उन्होंने भी रामगढ़ डिग्री कॉलेज को लेकर वहां पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक लंबे अरसे से हमने देखा है कि एक डिग्री कॉलेज जो बनना है रामगढ़ में वो सवालों के घेरे में है, विवादों में लगातार वो गिरता नजर आया, जिसको लेकर रामगढ़ के लोगों ने कई बार प्रदर्शन भी किया कि रामगढ़ डिग्री कॉलेज जो पर्टिकुलर रामगढ़ सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर रामगढ़ के लिए सेंक्शन किया तो वो ऐसी जगह पर होना चाहिए ताकि जो बॉर्डर के लोग हैं, जो बॉर्डर के बच्चे हैं उनको भी सहूलियात मिले और जो रामगढ़ के बच्चे उनको भी सहूलियात मिले, मिडिल प्लेस पर ये रामगढ़ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि तीन जगह जो है वो चिन्हित की गई है, अब देख रहे हैं कि किसके ऊपर मोहर लगती है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे ये जो लगातार विवादों में मुद्दा रहा है डिग्री कॉलेज सुलझेगा और यहाँ सेंटर पॉइंट सेंटर प्लेस चिन्हित की जाएगी, यहाँ पर इस डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य को लेकर काम शुरू किया जाएगा आने वाले दिनों में। सुजीत सिंह सलाथिया की बात करें तो उन्होंने भी एक अहम मुद्दा उठाया है, सुंब रोड की उन्होंने बात की है। हालांकि सुंब रोड जो पिछले एक लंबे अरसे से चुनावी मुद्दा रहा, राजनीतिक मुद्दा रहा, इसको लेकर काम भी किया गया, अब इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अभी भी एक स्ट्रेच ऐसा है सुंब से लेकर गोरन तक का। यहाँ पर गोरन एक बड़ा बाबा जी का देवस्थान है, यहाँ पर डिवोटी जो वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से आते हैं। यहाँ पर जो सड़क का स्ट्रेच है वो इतना ज्यादा बदतर हालत में है कि यहाँ डिवोटीज कई बार नहीं आ पाते रोड की खस्ता हालत के चलते। तो सुजीत सिंह सलाथिया ने भी कहा है कि इसको लेकर काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। हालांकि कुछ काम शुरू हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा कि मिलकर विभाग कंसर्न विभाग के साथ मिलकर इसको काम को कंप्लीट करेंगे ताकि लोगों को यहाँ पर सहूलियात मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये काफी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आप कह सकते हैं। देखिए पहले तो सिर्फ एमपी साहब इसे चेयर करते थे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, लेकिन अब तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जब एमएलए इसमें इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है उन कामों को, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक पुरजोर यहाँ पर कोशिश जो है वो विधायकों की तरफ से की गई है। और देखिए एमपी साहब का काम है कि प्रोजेक्ट कौन कौन से पाइपलाइन में है उसके ऊपर काम किया जाए, कौन से काम पूरे हुए हैं उसकी समीक्षा की जाए, ताकि
लोगों को एक यकीन दहानी हो जाए कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे माहौल में मीटिंग तो हुई है दिशा की, लेकिन इसमें कहना चाहिए कुछ स्कीमों के ऊपर, कुछ मुद्दों के ऊपर सवाल भी उठे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम मुद्दों को आगे आने वाले दिनों में हल किया जा सकता है। जो तीन जगह चिन्हित की गई है वो कौन कौन सी जगह है? देखिए अभी तक तीन जगह जो रामगढ़ के आसपास जो है वो चिन्हित की गई है। तीन जगहों को लेकर अभी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट जो वो देखा जा रहा है। मैंने जैसे कहा कि रामगढ़ जो है ये तहसील है, तो रामगढ़ जो बॉर्डर का इलाका है, तो बॉर्डर के इलाके के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर्टिकुलर सेंटर प्लेस पर पहुंचे, उन्हें आगे पीछे ना जाना पड़े। इसके पहले राड़ा में जगह चिन्हित की जा रही थी। राड़ा जगह को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जो वो शुरू हुआ था, लोगों ने कहा था कि हम अपने बच्चों को इतनी दूर नहीं दे देंगे, वो रामगढ़ से काफी दूर है एरिया, तो हम पर्टिकुलर चाहते हैं कि रामगढ़ एक सेंटर प्लेस जो हेडक्वार्टर है रामगढ़, वहां पर बन जाए तो काफी सहूलियात जो हमारे बच्चों को मिलेगी। अब देखना है कि कौन सी जगह चिन्हित की जाती है रामगढ़ डिग्री कॉलेज को लेकर। ठीक है, तो विधायकों ने जल जीवन मिशन और रामगढ़ कॉलेज के लिए क्या मांगे रखी है, इसके अलावा और क्या मांगे हैं उनकी, और कब तक ये फैसला लिया जाएगा? देखिए रोड, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, इसी के साथ लोगों को कहां कहां पर सहूलियात देने की जरूरत है, खासतौर पर जो दूरदराज के इलाके हैं वहां पर पाइपलाइन को किस तरह से पहुंचाना है, ये तमाम चीजें जो है इस मीटिंग में डिस्कस की गई हैं। देखिए कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में नहीं होती, वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है। तो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर मौजूद रहे MP युगल किशोर शर्मा, जिन्होंने तमाम प्रोजेक्ट की समीक्षा की और यहाँ पर जिन जिन चीजों की जरूरत है, जो भी मसले मिसाइल पूरे करने की जरूरत है, उसको लेकर वो केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। हालांकि विधायक जो वो यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर सरकार से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि मिलकर जब काम किया जाएगा तो तमाम इन प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। देखिए लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि हमारे यहाँ चुनाव हो, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सामने आए और लोगों के मसले मिसाइल का हल करें। डोर टू डोर अब ये विधायक शुरू हो चुके हैं जाना, इसी के साथ पहले भी प्रशासन की तरफ से कई स्कीम्स, कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, बैक टू विलेज हो या फिर पब्लिक दरबार हो या फिर ब्लॉक दिवस हो, इस तरह के कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को डोर स्टेप तक पहुंचकर लोगों की दिक्कत परेशानी को सुना जाए और उसका हल किया जाए। लेकिन कहना कहीं जल जीवन मिशन को चंद्रप्रकाश गंगा, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और अभी वो विधायक हैं विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने इस स्कीम के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाए, जो कि लाजमी भी है कि अगर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया तो पानी क्यों नहीं वहाँ इस इलाके में पहुंचा, ये एक बड़ी दिक्कत है, इसको भी हल किया जाएगा आने वाले दिनों में, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ऋषि खजुरिया सांबा से हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता दें कि सांबा में दूसरा बैठक आयोजित की गई है जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और इन मुद्दों पर कब तक फैसला आएगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोडा से जो सामने आ रही है, आपको बता दें डोडा शहर के बीचों बीच यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। आलम यह है कि डोडा में अक्सर लगे रहने वाले ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंसों के साथ साथ दमकल की गाड़ियां भी फंसी रहती हैं। यातायात को सुचारू बनाने के लिए जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। एम्बुलेंस जहां समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है, वहीं दमकल की गाड़ियां भी भारी ट्रैफिक में फंसे रहने से जंगलों के साथ साथ लोगों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो आपको बता दें कि डोडा शहर में यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो गई है और यातायात को सुचारू बनाने के लिए जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस को ठहराया जा रहा है। और आपको बता दें कि एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए हमारे साथ वसीम डोडा से जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा कि डोडा में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो है लगातार जिला डोडा के अंदर से देखा जा रहा है और इससे कुछ वर्तू सब देख रहे हैं कि जब ये खबर दिखती है उस खबर के बाद चंद कुछ दिन इसका असर देखने को मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि असर भी नहीं देखने को मिल रहा है और हालांकि ट्रैफिक पुलिस और खास करके जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, जमीनी सतह पे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट आपको जिला डोडा का अंदर देखेगा बहुत कम काम करता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि अभी भी मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। जो पढ़ने वाले बच्चे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइमली वो स्कूल नहीं पहुंचे और वहीं से अगर हम जो कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका भी ये मानना है कि टाइमली हम जो है अपने ऑफिस के अंदर नहीं पहुंचते। ये आप देख रहे हैं कि कल की तस्वीरें हैं, कल शाम की तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फायर सर्विस की गाड़ी किस तरह से यहाँ पे पहुंची और उसके बाद बिल्कुल भी ये गाड़ी जो है
आज से कहीं निकली और काफी टाइम के बाद काफी बच्चा फायर तक उसके डिपार्टमेंट एक खुद उसको रास्ता साफ करना पड़ा और उसके बाद रॉन्ग साइड से उन लोगों को निकलना पड़ा। जब ये स्पॉट पे पहुंचते किसी जगह पे आग बुझाने का काम करते हैं तो लोग इनसे कहीं ना कहीं सवाल पूछते हैं, लोग इससे गुस्सा होते हैं। गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि ये टाइमली वहां पे नहीं पहुंचते हैं, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जब फायर सर्विस का हमला निकलता है पहले ही रास्ता क्लियर होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत बड़ा सवाल है, खास करके मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और खास करके जो ट्रैफिक पुलिस है उनका फेलियर जिला डोडा के अंदर देखा जा रहा है। किस तरीके से काम करने की जरूरत है? देखिए ट्रैफिक पुलिस को काम करने की काफी जरूरत है, जो भी रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको चलान करना चाहिए, ई चलानी उनकी होनी चाहिए और खास करके जो लोग फुटपाथ पे कब्जा करते हैं उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हम देख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। और जो इंक्रोचमेंट जिन लोगों ने की है, हालांकि इससे पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके लोग हैं उनने पूरी इस पे कार्रवाई की थी, जिन लोगों ने भी इंक्रोचमेंट जमीन चुई हुई है या अपने घरों का घरों के बाहर जो इंक्रोच किया हुआ है उनके ऊपर पिछले टाइम हमने देखा था कार्रवाई जरूर हुई थी। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और खास करके जो डोडा गश्त का रोड है उस पर आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें रहती है, वहीं से ट्रैफिक जैम लगना स्टार्ट होता है और बस स्टैंड तक ट्रैफिक जैम काफी देर तक रहता है। जी वसीम, एम्बुलेंस को प्राथमिकता देने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए मैं बताऊं कि किस तरह से कल आपने देखा कि किस तरह से एम्बुलेंस वहां पे खड़ी थी। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज जोड़ा है यहां से काफी ज्यादा लोड मेडिकल कॉलेज में रहता है, जहां से भद्रवाह से किश्तवाड़ से अलग अलग एरिया से यहां पे लोग आते हैं। बहुत सारे कुछ लोगों की क्रिटिकल पोजिशन होती है जिसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाता है, मगर कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि प्रॉपर टाइम पे वो लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे, उसके बाद उनको एयरलिफ्ट या जम्मू भेजना पड़ता है। अगर वो सही टाइम पे यहाँ पे पहुंचेगा मुझे लगता है उनका इलाज हो सकता है। बहुत सारे लोग दम भी तोड़ते हैं और उसके बाद ट्रैफिक जैम को सुधारा जाता है, मगर सुधारना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को ये काम करना चाहिए, जो भी वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है इस खबर के बाद जरूर असर होगा, वो कुछ चंद कुछ घंटों के लिए असर होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज समझनी होगी, उसके बाद लोग राहत के साथ ले सकते हैं। जी वसीम बताइएगा कि नागरिकों की अगर राय दी जाए तो देखा जाए कि ये ट्रैफिक जो है किस तरीके से सुलझ सकती है, किस तरीके से काम करने की जरूरत है? जी देखिए काम करने की जरूरत है, जो वायलेटर से खास करके पहले ये चीज बता चुका हूँ आपको कि बहुत सारे लोग पार्किंग में, हालांकि पार्किंग स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं, जो लोग रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं उनसे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन जगह चलाने जिस तरह से पहले हमने देखा जो इनलीगल तौर पर गाड़ियां लगाते थे उनको चलान किए जाते थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई जिला डोडा के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है और डिग्री कॉलेज वाले एरिया देखेंगे आप दोनों तरफ से रॉन्ग पार्किंग खड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज बताई गई उसके बाद कोई भी असर देखने को नहीं मिला। वहीं से उसके साथ में आप देख सकते हैं दूसरा रोड है वहां पे भी, और ट्रैफिक जैम नगरी से ही पूरे बस स्टैंड के अंदर पहुंचता है, अलग अलग एरिया में ट्रैफिक जैम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास करके हम देख रहे हैं आज की डेट में जो एम्बुलेंसेज है उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खास करके जो फायर सर्विस का हमला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उनके लिए भी है, उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है या पुलिस चौकी है उनको रास्ता क्लियर करना चाहिए, जो ही वो फायर सर्विस का सायरन सुनते हैं उनका मैसेज मिलता है उनको, पर उसके बावजूद भी आप देखेंगे खामोशी देखने को मिलती है और एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की इनलीगल रॉन्ग पार्किंग खड़ी करते हैं। जी जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद वसीम, हमें डोडा से अपडेट कर रहे थे। बता दें कि डोडा शहर में यातायात काफी बदतर हो गई है और आपको बता दें ट्रैफिक जाम एम्बुलेंस के साथ साथ दमकल की गाड़ियां भी फंसती रहती हैं और जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ चलेंगे, आपको बता दें हीरा नगर से कठुआ जिले से महानपुर से मानू इलाके में मंगलवार देर शाम करीब 10 बजे टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए माधोपुर जा रहे युवाओं की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में करीब 10 युवक घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत जीएमसी कठुआ लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्रत्याशी दोषियों के अनुसार गाड़ी तेज रफ्तार में थी और चालक द्वारा नियंत्रण खो देने के कारण हादसे का शिकार हो गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। जम्मू में भगवती नगर इलाके में फ्लाईओवर व सड़क के निर्माण के मद्देनजर तभी पर बने चौथे पुल को एहतियातन 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और आपको बता दें कि अगले 15 दिनों तक चौथे पुल पर यातायात पर रोक लगा दी गई है। पुल बंद होने से आज ट्रैफिक पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ लंबा जाम लग गया और लोगों को इसकी जानकारी न होने पर उन्हें दिक्कतें सहनी पड़ी।
दिनों के लिए ओनली फॉर टू व्हीलर का ट्रैफिक चलता रहेगा इधर, फिर बड़ी गाड़ियां बंद है तो हम जैसे जैसे अपना काम करते जाएंगे फिर रोड खुल जाएगा, पूरी तरह से नहीं होगी, इसमें वन वे ट्रैफिक चलता रहेगा, ऊपर से नीचे कैनाल हेड से नीचे जो ट्रैफिक आता है वो चलता रहेगा, ये वन वे किया हुआ। लोगों से अपील करना चाहेंगे थोड़े हमारी भी हेल्प करें, हम भी तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगना देना चाहते हैं, तो हो सके तो हमारी हेल्प कर दें। सर कोई पता नहीं है, कह रहे हैं कि रोड का काम लगा हुआ है, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, बाकी आप देख ही सकते हो जाम कितना लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक पब्लिक हरासमेंट की आप वो बोल सकते हैं, ये पब्लिक हरासमेंट ही है, हमने भी यही सुना है, अभी आप ही बात कर रहे थे मीडिया से और यहाँ ये पुलिस कर्मी भी बता रहे हैं कि 15 दिन के लिए बंद है। अरे रोड बन रहा है ना, ये बीम चढ़ा रहे हैं, लोग पड़ रही है, जैसे भी लगी हुई है, रास्ता खराब है सारा, हाँ जाम तो लग रहा है, निकाल रहे हैं साथ साथ निकाल रहे हैं, इसलिए इधर लगे हैं, उधर काम छोड़ के इधर आ गए हम, अब निकाल रहे हैं ना साथ साथ निकाल रहे हैं, वहाँ से भी जगह बनी है इधर। चलिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।